मैं जब से ये दुकान खुली तब से यहीं आ रहा हूँ। और आपका फेवरेट यहाँ पे? यहाँ का साबूदाना पकौड़ा और आलू बड़ा। शेगारी का नाम बोलो तो इस जगह आ जाओ। मतलब ये कह सकता हूँ कि जितने भी शेगारी दुकान नाम से कह सकते दिल्ली गेट पे है ये है। हमारे साथ अभी जीतू जी जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ बिल्कुल आप सही पहचाने, हम दिल्ली गेट पे अंकल लाल जी पकौड़ी के यहाँ पे हैं। तो आज हम जानेंगे यार, आपने देखा है कि यार अंकल लाल जी पकौड़ी पे बहुत सारा अच्छा स्वादिष्ट खाना तो मिलता है, लेकिन उसके पीछे का असली रहस्य, उसके पीछे की असली इतिहास आज अपन जानते हैं। तो आप हमें बता सकते हैं कि ये दुकान की शुरुआत किस तरीके से और कब हुई थी? दुकान सर 1960 में हुई लगभग। 50-60 साल ओनली तीसरी पीढ़ी, एक दो तीन तीसरी पीढ़ी। यहाँ पे आप क्या क्या बनाते हैं? यहाँ पे सेगर गार्डन में फेमस प्याज के पकौड़े हैं सबसे ज़्यादा। अभी बरसात में प्याज के पकौड़े फेमस होते हैं। अभी नवरात्र में सेगर चलता है 12 महीने। इसमें स्पेशली साबुदाना टिकिया, राजगिरे का पकौड़ा, सेगरी मिर्ची बड़ा, नवरात्रि स्पेशल बनता है हमारे यहाँ पे सेगरी पनीर गुलाब, जो पनीर का बनता है जो 12 महीने में एक बार ही बनता है नवरात्रि पे। और विशेष हमारे यहाँ बनता है मूंगली तेल में सेगार का। अंकल लाल जी पकौड़ी वालों की असली पहचान क्या है कि क्यों लोग इतना यहाँ से जुड़े हुए हैं? सेगार और प्याज, सेगार और प्याज, प्याज के पकौड़े यहाँ बहुत फेमस है। और शुद्धता का क्या है यहाँ पे, कितना ध्यान रखा है? ये आपके सामने ही है, बिल्कुल आपके सामने काम हो रहा है। बिल्कुल रोक टोक नहीं, आप देखिए देख सकते हैं सब आपके सामने खुला खाता है। क्या बंदूक की लाख की खुल जा खाक की वाली बात है। अंकल ने अभी बहुत अच्छा मुहावरा बोला है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाना, साथ जुड़ेंगे तो काम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो इस तरीके का काम होगा। भैया आप यहाँ पे कितने टाइम से आ रहे हैं? मैं तो अभी साल भर से आ रहा हूँ। और आपको क्या है सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे यहाँ के आलू बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। 25 साल से इस दुकान से जुड़ा हुआ हूँ मैं। सबसे बड़ा क्या, सेगरी पकौड़े बहुत अच्छे हैं। अच्छा सेगरी पकौड़े बहुत अच्छे। और दुकान का नाम है उकार पकौड़े। अच्छा। आज से नहीं, मतलब बाप दादा के जमाने से नाम चल रहा है इस दुकान का। दिल्ली गेट पे अच्छी तरह से दुकान है, खा के मजा आ जाएगा। तो अब आप जानते हैं कि आपको नवरात्रि पे सेगार खाने का आना है। कितना स्वादिष्ट खाना अगर आपको यहाँ बाहर मिल रहा है तो शायद आपको घर पे बनाने का कष्ट नहीं लेना चाहिए। आइए अंकल लाल जी पकौड़ी की दुकान पे और चखिए इनका बहुत स्वादिष्ट खाना। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह, एक नए दिन और कई सारे नए सरप्राइजेस के साथ।